हमारी दुनिया में एक से बढ़कर एक रहस्य मौजूद है। मिश्र के पिरामिड्स, ममीज, आकाश में दिखने वाली उड़न तश्तरियां, रहस्यमय प्राचीन शहर। इन्हीं रहस्यों में से एक है हमारी पृथ्वी पर मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय जंगल, अमेज़न जंगल, जहां पर मौजूद जीव प्रजाति और विचित्र रहस्यों को देखकर एक बार के लिए वैज्ञानिक भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इतने एडवांस होने के बावजूद भी हम आज तक इस जंगल को क्यों नहीं जान पा रहे। इसी अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे खजाने भी मौजूद हैं जो दुनिया भर में लोगों को इस जंगल की ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन इस जंगल में जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, और अगर आप भी इस जंगल में जाने की सोच रहे हैं तो पहले इसमें मौजूद खतरों के बारे में जरूर जान लीजिए। आदमखोर पेड़। अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे पेड़ भी मौजूद हैं जो इंसान का मांस खाना पसंद करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पेड़ भी मांसाहारी कैसे हो सकते हैं, तो हम आपको बता दें, दुनिया में जानवर ही नहीं पेड़ पौधे भी मांसाहारी होते हैं, और अमेज़न जंगल में मौजूद पेड़ तो इंसान का मांस भी नहीं छोड़ते। इस जंगल में कुछ ऐसी पेड़ों की प्रजातियां मौजूद हैं जो देखने में आपको काफी खूबसूरत लगेंगी, लेकिन अगले ही पल ये पेड़ आपको कच्चा चबा कर खा जाएंगे। हालांकि अमेज़न जंगल में इन पेड़ों की प्रजाति इतनी अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी इस जंगल में मौजूद खूबसूरत चीजें आपके लिए भयानक साबित हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक ईल्स। इसी अमेज़न जंगल में आपकी मुलाकात एक और भयानक जानवर से हो सकती है, जिसे चलती फिरती बिजली कहना गलत नहीं होगा। ये भयानक मछली अमेज़न जंगल की गहराई में पाई जाती है। ये 2 से 3 मीटर लंबी होती है और इसका वजन 44 पाउंड होता है। देखने में ये कुछ सांप जैसी दिखाई देती है। अगर गलती से आप अमेज़न नदी में चले गए और इससे आपका सामना हो गया, तो ये आपको एक बार में 600 वोल्ट का करंट मार सकती है, और ये बिजली का झटका आपको मारने के लिए काफी होगा। वैम्पायर फिश यानी पायरा। पायरा नाम से मशहूर इस मछली को वैम्पायर फिश के नाम से जाना जाता है। इसके निचले दांतों को देखा जाए तो ये किसी वैम्पायर जैसी दिखाई देती है। अमेज़न नदी में पाई जाने वाली ये मछली 3 फीट लंबी और वजन में लगभग 18 से 20 किलोग्राम होती है। ये मछली इतनी भयानक होती है कि इसी अमेज़न नदी में मौजूद पिरहाना जैसी मछलियों को ये अपना नाश्ता बनाती है। अमेज़न जंगल में गए अब तक किसी इंसान से इसका मुकाबला तो नहीं हुआ है, लेकिन पिरहाना की तरह ही ये मछलियां भी किसी इंसान को पल भर में खाकर खत्म कर सकती हैं। रियल एनाकोंडा। अमेज़न जंगल में सांपों की कई छोटी बड़ी प्रजाति भी पाई जाती है, लेकिन अमेज़न जंगल में कई विशालकाय सांप भी पाए जाते हैं जो काफी बड़े होते हैं, यानी कि कई बार यहाँ 20 फीट तक के एनाकोंडा सांप देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कई रिसर्चर्स के अनुसार अमेज़न जंगल में 30 फीट लंबे एनाकोंडा सांप भी हो सकते हैं। एक बार पर्सी फॉसेट नामक एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने यहाँ साल 1996 में एक 70 फीट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा किया था, लेकिन जब तक वो अपने दावे को साबित कर पाते, इसी जंगल में उनकी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। कई अमेरिकी वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ आज भी यहाँ जिंदा है, जो अमेज़न नदी में रहता है। हालांकि अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है। पोटू बर्ड। अमेज़न जंगल में एक ऐसा पक्षी भी मौजूद है जिसने इस जंगल में इन भयानक जानवरों के बीच सरवाइव करना सीख लिया है। इस पक्षी का रंग पेड़ की टहनी जैसा होता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पक्षी खुद को छुपाने के लिए किसी पेड़ पर बैठकर अपनी मोशन को फ्रीज कर लेता है। इसी निंजा टेक्निक से ये पक्षी इस पेड़ पर कुछ इस तरह बैठता है जिससे देखने में लगे कि ये इसी पेड़ का ही हिस्सा हो या कोई पेड़ की टूटी हुई टहनी हो। इसी वजह से शिकारी इसे देख नहीं पाते हैं और ये बच जाता है। वैज्ञानिक इस पक्षी की इस निंजा टेक्निक को देखकर काफी हैरान है। मैरीकॉक्सी। अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे विचित्र वन मानुष पाए जाते हैं जो आधे इंसान और आधे बंदर जैसे दिखाई देते हैं। अमेज़न जंगल में रिसर्च करने गए एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने अपनी खोज के दौरान इस जंगल में इस विचित्र वन मानुष को देखा।
इसे मैरी कॉक्सी कहा जाता है और इसकी हाइट करीब 12 फीट थी। इस वैज्ञानिक के अनुसार जब वो अमेज़न जंगल में घूम रहा था तब अचानक उसे ये विचित्र वन मानुष दिखाई दिया और इस वन मानुष ने उस ब्रिटिश वैज्ञानिक पर हमला करने की भी कोशिश की। जवाब में उस वैज्ञानिक ने अपनी गन से इस वन मानुष पर कुछ फायर्स किए जिससे ये वन मानुष डरकर कुछ दूर चला गया और वो वैज्ञानिक जंगल से बाहर आ गया। इस ब्रिटिश रिसर्चर के अनुसार मैरी कॉक्सी प्रजाति के ये वन मानुष झुंड बनाकर रहते हैं जिनकी एक अपनी अलग बस्ती हुआ करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक है ये जंगल। मिस्टीरियस जियोग्लिफ्स। अमेज़न जंगल को बने हुए लगभग 5.5 करोड़ साल बीत चुके हैं और क्या यहाँ कभी कोई उन्नत इंसानी सभ्यता रही होगी, इस सवाल का जवाब भी हमें इस जंगल में मिलता है। एक बार जब पेड़ों की अवैध कटाई की गई, तब इस जंगल में कुछ ऐसी चीजें निकल कर आईं जिन्हें देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। अमेज़न जंगल के मैदानों में 2000 साल पुरानी मानव निर्मित संरचनाएं पाई गईं। सभी वैज्ञानिक इस खोज में लग गए कि आखिर ये संरचनाएं कैसे बनी, पर आज तक कोई वैज्ञानिक इन विचित्र संरचनाओं के बनने के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं खोज सका। इन रहस्यमय संरचनाओं को बिना किसी एरियल व्यू के इतना परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता। इसी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि शायद यहाँ कभी कोई बेहद उन्नत सभ्यता रही होगी जिसने इन्हें बनाया होगा, पर कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है कि ये सब भी किन्हीं एलियंस की करतूत हो। रियल एलियंस। एक बार 2012 में ब्राजील के एक शहर में दो ब्रिटिश टूरिस्ट घूमने आए थे। यहाँ पर इन्होंने कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन उनकी एक फोटो में अमेज़न जंगल में कुछ अजीब प्राणी भी दिखाई दे रहे थे जो कि एक इंसान की तरह तो दिखाई देते हों लेकिन इंसान से थोड़ा अलग। ये फोटोज दुनिया भर में वायरल हो गई थी और लोगों को ये विश्वास हो गया था कि अमेज़न जंगल में एलियंस भी मौजूद है। इन तस्वीरों को भूतिया घटनाओं के लेखक माइकल कोहिन ने क्लिक किया था। 1977 में ब्राजील सरकार ने अमेज़न में एलियंस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए वहां की वायु सेना के साथ प्राटो मिशन की शुरुआत की और पूरे जंगल को छान मारा, लेकिन एलियंस का कहीं भी पता नहीं चला। लेकिन आखिर वो एलियंस उस फोटो में कहां से आए? ये सवाल अमेज़न जंगल को और भी रहस्यमय बना देता है। द लॉस्ट सिटी। कई लोगों का मानना है कि अमेज़न जंगल में प्राचीन समय में एक बेहद उन्नत सभ्यता रहती थी और जिसने यहाँ अपना एक शहर भी बसाया था, लेकिन आज तक इस शहर के प्रमाणों को खोजा नहीं जा सका है और एक अमेरिकन एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने इस शहर की खोज के लिए कई बार प्रयास किया जिसमें हर बार उन्हें नाकामी मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार उनके हाथ एक ऐसा नक्शा लगा जिसमें उस गुप्त शहर का रास्ता था और पर्सी अपने बेटे व अन्य साथियों के साथ उस शहर की खोज में फिर से निकल पड़े और इस शहर के नजदीक पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा था और उन्होंने उस शहर का नाम जेड सिटी रखा था जिसमें इसे सोने चांदी से निर्मित बताया था। लेकिन जब वो इस शहर के पास पहुंचे, तब वो और उनके साथी रहस्यमय ढंग से गायब हो गए और आज तक इनका कोई पता नहीं लग पाया। कुछ ऐसे ही कारण ये बयान करते हैं कि हो ना हो अमेज़न जंगल में एलियंस भी रहते हैं, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं और ऐसे में ये जंगल और भी रहस्यमय बन जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेज़न जंगल में एलियंस हो सकते हैं या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।